સુરતમાંથી બે દિવસ માટે બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર ભરાશે। બાબાની એક ઝલક માટે દૂર દૂરથી ભક્તો સુરત પહોંચ્યા છે। સુરત એરપોર્ટ પર તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। ત્યારે સુરત અને તાપી જિલ્લામાં થતા ધર્મના મુદ્દાને લઈને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં હું આ વિષયને જાણીને આદિવાસી વિસ્તારમાં કથા કરવાનું ચોક્કસપણે આયોજન કરીશ। જય ગરવી ગુજરાત, જય બાગેશ્વર ધામ। ગુજરાત ભક્તિ કા પ્રદેશ હૈ और सर्वत्र यहाँ राम नाम की धूम है। प्रथम बार इतने समय के लिए जो है गुजरात में आए हैं। अब हम कुछ दिन गुजारेंगे गुजरात में। अति प्रसन्नता है। हमारी मैया श्री किरण माता जी हमको जो है बोली हैं कि गुरु जी आपको गुजरात आना है करके। तो अपनी मैया के अपनी मैया के भाव से जो है हम आए। फिर यहाँ हमें अपना पूरा परिवार मिला। अनिल जी, बादशाह जी, पूरी मंडली मिली, सभी भक्त मंडल मिले। हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। जो है बोली है कि गुरु जी आपको गुजरात आना है करके। तो मैया सामने अपनी मैया के भाव से जो है हम आए। फिर यहाँ हमें अपना पूरा परिवार मिला। अनिल जी, बादशाह जी, पूरी मंडली मिली, सभी भक्त मंडल मिले। हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। कुछ है तो हम अनिल को भी आज्ञा दे के और मैया को कह के हम उन आदिवासियों के बीच में कथा करेंगे और घर वापसी करवाएं। सनातन संस्कृति की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम लोग केवल टीवी और मोबाइल तक सीमित हैं। हमें अपने सनातन संस्कृति का प्रचार अब दिलों तक करना है। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रखे। बहुत अच्छा। हमारा जो राम मंदिर है, हमारा जो काशी विश्वनाथ जी का है, आगे हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि भी होगी। ये जो कार्य है ना, हमारी सनातनीय संस्कृति के प्रोत्साहन निश्चित रूप से इन सब कार्यों से हम अति प्रसन्न है। और कोई भी हो, देखो हम पहली बात क्लियर कर दें, हम किसी भी पार्टी के नहीं। और सभी पार्टियों को हम ये कहेंगे कि हम हमको किसी भी हनुमान जी के लंका जाने से उनका भी विरोध। सेम टू यू बोल दीजिए। लाखों अरबपति और खरब पति हम इनकी तरफ, हम तुम्हारे 2 रुपया या 5 रुपया के पीछे नहीं पड़ते हैं, ना करोड़ों के पीछे। हम तो दिल के पीछे भागते हैं। कोई राम नाम का भावुक आएगा तो बताना तो ठीक है, जना भी देंगे। बाकी कोई अगर पैसे पर तौल कर देखे तो बागेश्वर धाम ना तो किसी VIP को जो ट्रीटमेंट देता है, ना बागेश्वर धाम पीठ किसी भी प्रकार के धन के लालच में जाती है, ना कभी जाएगी। इस प्रकार के वाहियात क्वेश्चन के उत्तर हम नहीं देते। आवाज अब नवा वीडियोस माटे अब तक नी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक अने शेयर करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ेला रहो अब तक साथे।